ओम प्रकाश राजभर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को लेकर चर्चा है। दो रोज पहले अरुण राजभर के रिसेप्शन में तमाम जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे हैं पहुंचे थे। क्या गठबंधन ओम प्रकाश राजभर से होगा? राजभर को बीजेपी के नजदीक ले जाने का रास्ता जिन्होंने बनाया, दयाशंकर सिंह जी हमारे संग मौजूद हैं। सर, विधानसभा चुनाव से भी पहले बहुत चाय पीते थे ओम प्रकाश राजभर जी आपके साथ, बार बार चर्चा होती थी कि आप ले ही आएंगे। उसके बाद विधानसभा के बाद भी जब वो सपा के अलग हो गए तब भी आपसे बड़ी खास दोस्ती थी। क्या लग रहा है होने वाला है गठबंधन? देखिए, गठबंधन पर जो भी निर्णय होता है ये राष्ट्रीय स्तर पर तय किया जाता है। ओम प्रकाश राजभर जी की एक पूरी पार्टी है और वो हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं से उनकी जो है खुद के व्यक्तिगत संबंध हैं। जो भी निर्णय होंगे उसी स्तर पर होंगे। और ये सही है कि ओम प्रकाश जी पहले भी हम लोग के साथ रह चुके हैं, सरकार में मंत्री भी रहे, साथ साथ चुनाव भी लड़े। तो जब चुनाव आता है, चाहे वो 2014 के चुनाव हो, उसके पहले बहुत सारे दलों के लोग भाजपा के साथ जुड़े मोदी जी की नीतियों में विश्वास करके। आप 2017 में भी जो चुनाव हुआ उस समय भी बहुत सारे दल के लोग भाजपा के साथ जुड़े और 2019 में भी बहुत सारे दल के लोग आए। तो जब जब चुनाव आता है तो सभी इस तरह के चीज़ें होती हैं। यदि 2024 के चुनाव आ रहा है और इस चुनाव के पहले भी बहुत सारे दलों के लोग आज भाजपा के साथ आना चाहते हैं और उसको हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व पर उसका निर्णय होगा। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सुबह राजभर कहाँ होते हैं, दिन में कहाँ होते हैं, शाम को कहाँ होते हैं, उनको खुद को नहीं पता। ये वही जानते हैं, भगवान भी नहीं जानता कि वो किसके साथ खड़े हैं। आप कैसे देखते हैं उनकी कदम को? देखिए, मैं तो इस बात को नहीं मानता हूँ। राजभर जी ने यदि सपा के साथ जाने का निर्णय लिया तो उनके साथ पूरे ईमानदारी के साथ उनके साथ खड़े नजर आए। और यदि राजभर जी नहीं होते तो जो जितनी सीट समाजवादी पार्टी पाई है उसमें भी बहुत कमी आती। और मैंने तो यही महसूस किया है क्योंकि जो कहते हैं उसके साथ खड़े रहते हैं। अच्छा, धर्मांतरण कानून को लेकर आज चर्चा जोरों की चल रही है। आज सरकार ने अपनी तरफ से रिकॉर्ड दिए हैं कि दो साल में कैसे इस कानून में FIR हुई हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, असर कैसा देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में आप? क्या जो धर्मांतरण का गोरख धंधा था वो रुकता हुआ दिख रहा है? देखिए, जो इस तरह के तथाकथित लोग हैं जो इस तरह के कार्य करते थे उन पर कार्रवाई हो रही है। कोई भी किसी भी मजहब के साथ, किसी भी धर्म के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, जो सपा के नेता है वो कह रहे हैं कि बीजेपी ये बता दे कि उनके नेताओं के मुस्लिम लोगों से कैसे कैसे संबंध है। कई बड़े नेताओं को रेफरेंस में दे रहे हैं कि उनके घर की शादियां मुस्लिमों के घर पे हुई है। आप कैसे उनके हमले? नहीं, देखिए, कोई ये तो सबको स्वतंत्रता है कि कोई कहाँ शादी करती है उसका पूरा उसका ऊपर नहीं है। लेकिन किसी को जोर जबरदस्ती करके, प्रलोभन दे करके, किसी को परेशान करके ऐसा कोई छोता है तो उस पर सरकार कार्रवाई करती है। दयाशंकर सिंह जो तमाम मुद्दों को लेकर एबीपी न्यूज पर अपनी राय रख रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज लखनऊ।